मेरा बच्चा ड्यूटी, मेरे जब बच्चे को अच्छा जॉब मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, पैसा ज्यादा आ जाए तो खुश हो जाऊंगा, इस लेवल में पहुंच जाए तो खुश हो जाऊंगा, इस लेवल में पहुंच जाए तो खुश हो जाऊंगा, और एक दिन राम राम, खुशी कहां गई? किसके लिए भाग रहे थे? वाई वी आर डूइंग हार्ड वर्क, क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? खुशी के लिए, पर खुशी तो है ही नहीं, खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं, पर खुशी खुद ही एक रास्ता है। हाथ ऊपर करिए सभी। अब मैं जब कहूंगा वन टू और एक कलर का नाम लूंगा, उस कलर की बॉल को आपको सामने फेंकना है, राइट? वन टू व्हाइट, फेंकिए, व्हाइट कलर के फेंकना है, बोलना है व्हाइट और फेंकना है, वन टू व्हाइट, ओके। कौन सी बॉल रिटर्न आएगी दीवार से टकराकर? जोर से बोलिए, वन टू ब्लैक। कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? आप बहुत लकी है, बता रहा हूं, इस प्रकार के प्रोग्राम की 10-10 लाख रुपए फीस होती है। यू आर वेरी लकी सोल, इतने सारे लोगों को निमंत्रण दिया दीदी जी ने और सब भाइयों ने, पर आप आए। अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए, और पूरा पूरा प्रोग्राम अटेंड करके जाना, रोज घर तो जाना ही है, पर आज की मिलने वाली है। मैं हजारों किलोमीटर से दूर दूर से आपके पास आया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में परिवर्तन लाना है, और मैंने गारंटी लिया है कि आपके जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, गारंटी है, गारंटी, बट आपको पूरा साथ देना पड़ेगा। देंगे सभी साथ? यस और नो? ग्रेट। चलिए, व्हाइट वॉल फेंकिए, वन टू व्हाइट, वन टू ब्लैक, वन टू येलो, वन टू ग्रीन, ठीक है। आप क्या करना है, भाइयों को बहनों की तरफ बॉल फेंकनी है, ठीक है, फिर बहने भाइयों की तरफ रिटर्न करेंगी, ठीक है। मैंने जो कहा उसको ध्यान से सुन लेना, पर अभी देखना गलतियां कैसे होती है, और सारे लड़ाई की जड़ वही है। देखिए, वन टू व्हाइट, मतलब भाइयों ने फेंकना शुरू नहीं किया, बहने पहले बम लेके तैयार है पूरी, इन्होंने फेंका नहीं, पता नहीं क्या आ रहा, धनाधन फेंक दिया पहले, रुक जाओ, हाथ जोड़ता हूं। इसी में सारी प्रॉब्लम यही है, घर घर में झगड़े, सामने से कौन सी एनर्जी आ रही पता नहीं। रामायण और महाभारत में भी देखा जाता था कि कौन सी एनर्जी, अच्छा दुर्योधन ये वाला तीर फेंक रहा है, अब वो देखा जाता था, वही तीर मारा जाता था, पर यहां तो पता नहीं वो सामने वाला बोल क्या रहा है, उसकी एनर्जी को महसूस भी नहीं किया और दिया एनर्जी, और वो फिर कंफ्लिक्ट हो जाता है। और जितनी भी जेल भरे पड़े हैं, मैं जेल में प्रोग्राम कराता हूं तो देखता हूं जेल भरे पड़े हैं, क्या है, हस्बैंड वाइफ का क्लेश हुआ, ठीक है, पिटाई किया उन्होंने और उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया, दोनों अंदर, ठीक है, सारा प्रॉब्लम एंगर के ऊपर। ध्यान से, फिर से ध्यान से, अभी आप लोग नहीं फेंकना, मैं जब पहले ये फेंकेंगे फिर उसके बाद, वन टू व्हाइट, फिर बहन जी रुक जाइए, अब मैं जब बोलूंगा वन टू व्हाइट, अब फेंको, वन टू व्हाइट, चलो वन टू ब्लैक, वन टू ब्लैक, आपको रिटर्न करना जब मैं बोलूं, वन टू व्हाइट, वन टू व्हाइट, वन टू ब्लैक, वन टू येलो, वन टू ग्रीन, वन टू ब्लैक, वन टू गुस्सा, वन टू। अब वाइफ जो है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर गुस्सा करेगा तो वाइफ के करवा चौथ का व्रत रखेगी, झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 80% प्रॉब्लम क्या है, जो एनर्जी हम फेंकेंगे वही हमें मिलेगी। अब आप मन मन से वाइफ के ऊपर एंगर वाली बॉल फेंकोगे तो वाइफ क्या करेगी, एंगर वाला ही छक्का मारेगी ना, राइट? चलिए, वन टू खुशी, रिटर्न क्या आएगा, खुशी। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्या फेंकना पड़ेगा, आया समझ में, क्या फेंकना पड़ेगा, खुशी। कई लोग खतरनाक खतरनाक बॉल फेंकते हैं, नेगेटिव थॉट वाली, और एक बहुत खतरनाक बॉल होती है, सत्यानाश हो जाए, और वो भी एक्शन के साथ, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, उसको पता नहीं है सामने वाले का तो होगा, तो हमारा, हम कौन से बचने वाले, राइट? कौन सी एनर्जी फेंकनी है, कौन सी एनर्जी, खुशी की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। सभी मुस्कुराओ, क्यों मुस्कुराने के लिए कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, जैसे ही आप बाहर से मुस्कुराते हैं तो अंदर में मुस्कुराने वाली फाइल खुल जाती है, और जब अंदर से मुस्कुराते तो बाहर मुस्कुराहट आ जाती है, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। अब एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बात बताता हूं, अमेरिका में एक बार एक साइंटिस्ट ने एक प्रैक्टिकल किया, एक कैदी को फांसी की सजा हो गई, तो साइंटिस्ट ने एक प्रैक्टिकल किया कि उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, तो साइंटिस्ट ने बोला कि ऑलरेडी आपको फांसी की सजा हो गई, हम आपको फांसी से नहीं मारेंगे, हम आपको सांप से कटवाएंगे,
और सांप इतना डेडली, इतना खतरनाक है कि सांप आपको काटेगा और 30 सेकंड में आपकी डेथ हो जाएगी। उसको दिखाया गया किंग कोबरा और काउंटिंग शुरू की गई 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 बोला और सांप को हटा दिया और 2 पिंच चुभा दी उसके पैर में। कैदी ने क्या सोचा बोलो, कैदी ने क्या सोचा? कैदी के माइंड ने जैसे ही रिसीव किया सांप ने काटा है, 30 सेकंड के अंदर उसकी डेथ हो गई। राम राम सत्य। सबसे ज्यादा सोचने और विचारने की बात है, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर सांप का जहर पाया गया। किसने बनाया जहर? किसने? उसके माइंड ने। मीरा भाई को क्या पिलाया गया था? जहर। कुछ हुआ? क्योंकि उनके अंदर वो पावर थी, वो युग भी दूसरा था। आप ऐसा मत कर लेना, नहीं तो श्री कृष्ण जी के नाम पे नहीं तो राम राम सत्य हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में?